Hi Simple, welcome to Filmy Bee. Hi. So yeah, your Happy New Year firstly. Happy New Year to you too. Yeah, are you watching Big Boss season 14? I am. I've not watched all the episodes, but I've watched a lot of it. Especially जब मैं छुट्टियों में भी गई हुई थी, I had gone to Dharmshala and I was watching there also. Exactly. So your friend Rubina is there. I'm sure you must be supporting her. So कैसा लग रहा है Yeah. रुबीना का गेम? आई थिंक अच्छा लग रहा है. शी जेन्युइन, जैसा फील करती है वैसा जुबान पे होता है. एंड बहुत अच्छा बोलती है. शी इज अ वेरी गुड स्पीकर. एंड नॉट ओनली एज अ फ्रेंड बट आई थिंक एज एन ऑडियंस आई एंजॉय वॉचिंग हर. ओके, तो इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि कलर्स जो चैनल है वो रुबीना को फेवर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जस्ट बिकॉज शी इज अ फेस ऑफ यू नो कलर्स. तो इसके ऊपर आपको क्या नो, कहना है? वो तो आपको साफ दिख रहा है कि कौन से लोग एंटरटेनिंग है, कौन से लोग नहीं है, कौन से लोग एक्शन ला रहे हैं इन द शो. तो इट हैज नथिंग टू डू विद चैनल प्रमोटिंग हर, मुझे नहीं लगता. अगर ऐसा होता तो उसको इतनी ब्लैकिंग नहीं मिलती फ्रॉम सलमान. मतलब उसको इतनी इतना ज्यादा कितना ज्यादा उसको डाउन करते हैं ईच टाइम. इफ द चैनल वॉज फेवरिंग हर, दे वुडंट हैव डन दिस. तो आपको क्या लग रहा तो है आई फिर, डोंट, चैनल किसको फेवर कर रहा है? मुझे नहीं पता. चैनल वॉन्ट्स मसाला एंटरटेनमेंट. जो मसाला देगा उनको वो दिखाएंगे. एंड आई डोंट थिंक इट फेवर्स एनीवन, बट डेफिनेटली आई डोंट थिंक वो रुबीना को तो बिल्कुल फेवर नहीं करते हैं. जबकि मुझे लगता है करना चाहिए, पर मुझे हमेशा लगता है पुअर गर्ल, शी ऑलवेज बिकम्स अ स्क्रेप गोट. राइट. एंड इसके अलावा जैसे कि सिंस लाइक यू टॉक अबाउट वीकेंड का वार, जहाँ पे सलमान ने काफी रुबीना को सुनाया, एंड स्पेशली मैं बात करूँ तो वो जो छोटी उंगली थी उसके ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा बना, एंड शी ट्राइड टू एक्सप्लेन हरसेल्फ बट नो वन वाज लिसनिंग. सो इज आई दिस थिंक राइट और उस रॉन्ग? मैंने वो एपिसोड मिस कर दिया था. बट आई सॉ जिस दिन सलमान खान ने बहुत बनाया था उनको. बट आई थिंक उसको शी शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, बिकॉज वो जेन्युइनली जो फील करती है वो बोलती है. लेकिन मुझे लगता है उनको इट्स जस्ट दैट आई फील बिकॉज ही पर्सनली डजंट लाइक हर और फाइंड हर वेरी एरोगेंट. उनकी हर चीज ही अब एरोगेंट लगती है. तो मुझे लगता है वो गलत है. बिकॉज जैसे निकी तंबोली और जैस्मिन और ये तीनों बैठे हुए थे. जैस्मिन और निकी तंबोली राखी को सुना रहे थे. रुबीना तो कुछ भी नहीं कर रही थी, रुबीना को डांट पड़ गई. तो आई वाज लाइक व्हाई, मतलब व्हाई डिड ही इन्वॉल्व रुबीना इन इट? शी हैज नथिंग टू डू विद इट. तो ये गलत है. ये तो साफ दिखता है कि यू नॉट बीइंग राइट टू हर. और द पुअर गर्ल, शी हैड टू से सॉरी फॉर समथिंग दैट शी वाज, शी हैड नो फॉल्ट. राइट. एंड अगर मैं बात करूँ इन दोनों की कंपैटिबिलिटी, तो लोग कह रहे हैं, इनफैक्ट काम्या पंजाबी खुद कहती है कि अब है ना वो रुबीना को अलग अलग सीजन्स में आना चाहिए था, एक साथ एक सीजन्स में आके गलती की. सो व्हाट डू यू फील कि इनको सच में अलग अलग सीजन आना चाहिए था? ऑलवेज हैपन व्हेन अ हस्बैंड वाइफ का, उनकी पर्सनल इक्वेशन हमेशा नजर आएगी पति पत्नी की. हमेशा हर रिश्ता, एनी हस्बैंड एंड वाइफ, उनकी लड़ाइयाँ होंगी. मतलब घर में भी होती है ना, तो वो बाहर भी होंगी. गेम को लेके उनकी ओपिनियंस अलग होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगी, वो सब दिखता है यू नो. एंड और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को डोमिनेट भी करते हैं क्योंकि उनका हक होता है. तो कभी कभी वो इस मतलब कभी कभी रुबीना कैन कम आउट समबडी हु इज डोमिनेटिंग, जबकि ऐसा नहीं है. यू नो, शायद वो अभिनव का डोमिनेटिंग नेचर नहीं दिखाते जो रुबीना पर होता है हक. तो एनी हस्बैंड वाइफ दे कम, दिस विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम. तो डू यू थिंक कि उनको साथ में आना चाहिए था या फिर अगले अगले सीजन्स में आना चाहिए था अलग अलग? हस्बैंड वाइफ को अलग अलग आना चाहिए हमेशा, वरना ओके. एंड जस्ट आपकी खराब राइट राइट हो सकती है. एग्जैक्टली. एंड सिंस लाइक नाउ, अभी जस्ट जैसे कि अभी आपने कहा कि वो डोमिनेटिंग की बात आई, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा गया था, यू नो जैस्मिन ने कहा था कि सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है रुबीना को. सो डू यू थिंक कि उनको सच में ऐसा है? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है. आई हैव नेवर सीन हर. शी चूजेस टू नॉट टॉक टू सम पीपल डज नॉट मीन कि शी हैज सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. बिल्कुल भी नहीं है. आई हैव वर्क विद हर. शी इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन एंड शी इज बिन वेरी एंटरटेनिंग और बहुत नॉर्मल बिहेव करती हैं. बिल्कुल फनी है, हंसती हैं. ऐसा नहीं है कि ऐसे रहती हैं. बट कभी कभी आपके सर्कमस्टेंसेज ऐसे होते हैं कि आप बंद के रह जाते हैं, तो दूसरे पर्सन को ऐसा लग सकता है कि आप में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है. आई डोंट थिंक सो.
ओके तो आपके हिसाब से घर में ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जिसको आपको लगता है कि ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? आई थिंक एट सम पॉइंट सब लोग अपने बारे में ऐसा सोचते होंगे कि आई एम बेटर देन द अदर पर्सन, लाइक थोड़ा थोड़ा तो हम सब में ही होता है. राइट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि अभी बिग बॉस चल रहा था, हमने जैसे देखा कि यू नो अली आ गए हैं घर के अंदर, जब से वो आए हैं जैस्मिन का एक डिफरेंट शेड सामने आया है, शी इज बिकम मोर स्ट्रॉन्गर. तो क्या लगता है आपको कि अली से वो इन्फ्लुएंस होती है या जस्ट बिकॉज ही इज देयर, जस्ट लाइक रुबीना के लिए अभिनव है इसीलिए उनको वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है और माइट बी शी रियली इन्फ्लुएंस? व्हाट डू यू थिंक? When you have your husband or wife or boyfriend or a girlfriend, आपको support मिलता है, you become stronger और आपके point of views भी change हो जाते हैं. जैसे अगर आप single game खेलते हैं तो आपकी दोस्ती अलग तरीके से बनेगी लोगों से, क्योंकि आपको ज़रूरत होगी उनकी. जब आपका अपना कोई होता है तो आपको दूसरे हो या ना हो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपने में ही खुश हैं, जो रूबीना के केस में भी हुआ है. तो आपकी इक्वेशन डेफिनेटली बदल जाती है when your partner is there. तो क्या लगता है आपको कि अली के आने के बाद जैस्मिन की गेम जो है वो सवरी है या फिर वो और बिगड़ी है? नहीं मतलब चेंज तो हुई है. मुझे लगता है जब वो सिंगल थी वो अच्छी रहती थी ज्यादा, जब वो अली आ जाता है तो मुझे लगता है वो ज्यादा मतलब कभी कभी जैसे वो मीन हो जाती हैं, चाइल्डिश हो जाती है, इमेच्योर बिहेव करती हैं, यू नो, जो कि वो पहले नहीं दिखती थी. जब वो बहुत पहले आई थी तो वो बहुत स्वीट दिखती थी. So, wo, all these things start coming out. All right. And talking about, you know, friendship ki agar main baat karu, to humne dekha tha start mein ki kis tarike se jo hai Rubina aur Jasmine ki dosti thi, bond tha. Lekin aisa achanak se situation create ho gaya hai ghar ke andar ki ab dono ki dosti bahut zyada toot gayi hai and like, literally it became worse. So, kya lagta hai aapko, who is responsible for this? Jasmine ya Rubina? Big boss. Wo circumstances aise create karte hain कि आपकी जो है लड़ाई हो जाती है. दैट्स वॉट हैपन्स. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड ऑन टू दीज थिंग्स. बहुत ज़रूरी है समझना और महसूस करना कि आप जेन्युइन दोस्त आपके हैं और ये गेम है, और गेम में कभी पासा इधर होता है, कभी पासा उधर होता है. तो आपको आपकी जो जेन्युइन फीलिंग है वो चेंज नहीं होनी चाहिए किसी के लिए. लेकिन बिग बॉस में क्या होता है, रोज़ रोज़ सबकी सबके साथ फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस. आज कोई अच्छा लगा, कल कोई अच्छा लगेगा, थर्ड दिन कोई और आपको अच्छा बुरा लगेगा. रुबीना ने तो मैं अपनी कोशिश भी की थी कि मैं अपनी रिलेशनशिप इम्प्रूव करना चाहूंगी विद जैस्मिन एंड बट अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट हैपन. तो बहुत बार दो लोगों की गलती नहीं होती, सर्कमस्टेंसेस होते हैं एंड इट बिकम्स लाइक दैट. बट डेफिनेटली आई फाइंड जैस्मिन वेरी चाइल्डिश, इमेच्योर एंड मतलब कुछ भी बोलती रहती है. मतलब इट्स नॉट रिक्वायर्ड समटाइम्स आई फील. And it's because वो पहले बहुत अच्छा दिख रही थी and suddenly she started looking like a villain. Okay, राहुल वैद्य ने जो है वो रुबीना पे काफी इल्जाम लगाए थे. जैसे कि सबसे पहले उन्होंने एक कहा था कि वो अभिनव को लेके आई है अपना सस्ता वकील बनाकर. उसके बाद दूसरा जो राहुल वैद्य ने कहा था, वो रुबीना के साथ जब भी झगड़ा होता था तो वो यही बोलता था कि यू नो रुबीना जो है वो अभिनव के वजह से आगे बढ़ी है और अभिनव का प्लान रहता है, रुबीना मतलब उसको इम्प्लीमेंट करती है. एंड बहुत सारी चीज़ें राहुल वैद्य ने कही है. तो आपको क्या लगता है कि सच में अभिनव के वजह से रुबीना आगे आई है या रुबीना के वजह से अभिनव अब तक है? मुझे नहीं लगता कोई भी किसी की वजह से आए, दे आर इंडिविजुअल पीपल. बट मुझे लगता है आप गुस्से में आपके अंदर इतनी करवाहट होती है कि आप लगते हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू क्रिएट द सेम एंगर इमोशन इन द अदर पर्सन. यू वॉन्ट टू हर्ट द पर्सन वेर इट हर्ट्स द मोस्ट. तो आप गुस्से में लोगों को बोलते हैं उनको हर्ट करने के लिए. तो आई फील ही हैज नथिंग मोर टू से, सो ही विल ऑब्वियसली से दिस कुछ भी हर्ट करने के लिए. और मे बी ही फील्स लाइक दैट, हु नोज. पर ऐसा नहीं है, अभिनव और रुबीना अगर अलग अलग भी आते तो उनकी उनकी अपनी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, उनकी अपनी एक पहचान है, कैरेक्टर है. तो आई डोंट थिंक कि कोई किसी और की वजह से ऊपर आया है, एटलीस्ट आई डोंट फील सो. ओके ऑल राइट. एंड अगर मैं पूछूं आपको, यू नो जब कविता कौशिक आई थी तो उन्होंने काफी सारी चीजें कही थी अगेंस्ट अभिनव, जहां पर वो कहती थी कि वो अभिनव की दोस्त नहीं है, फिर वो कहती थी कि वो उनकी दोस्त है, वो उनको बहुत पहले से पहचानती है. अभिनव जो है वो भी कहते थे कि ही वॉज शॉक टू हियर कि वो नो कविता ने उनको दोस्त नहीं कहा था.
तो ये सारी चीजें जो हुई थी एंड देन इनकी पर्सनल लाइफ सामने आ गई थी, इसमें आपको क्या लगता है कि ये जो करना था नेशनल टेलीविजन पे, ये कितना सही और गलत है? बिकॉज ऑलरेडी रुबीना ने कन्फेस कर दिया था. आई थिंक इट वॉज अ वेरी रॉन्ग, क्योंकि आपकी पर्सनल इक्वेशन क्या है, आपके टेलीविजन पे नहीं आना चाहिए बिकॉज आपका मजाक बन के रह जाता है. और ये बहुत ही गंदा बिहेवियर है, मतलब इससे पता चलता है कि आपके अंदर कितनी करवाहट होगी दैट यू आर एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट समवन ऑन नेशनल टीवी. और वेदर इट हैपन इट डिडंट हैपन, लोगों को तो मसाला मिल गया ना, राइट? एंड इट्स वेरी रॉन्ग थिंग टू डू व्हेन योर वाइफ और गर्लफ्रेंड इज यू नो नेक्स्ट टू यू, बिकॉज आपकी इस बात से उनके रिश्ते में दरार आ सकती है. दिस कैन बिकम अ पॉइंट वेयर दे माइट सेपरेट, मतलब एनीबडी. So it's not a right thing to do, firstly. And whatever happened has happened to two people, if at all it has happened. You know, it has happened between two people. There are itne logon ke itne secrets hote hain. Zaruri nahi hai ki sare secrets ko samne rakha jaye, kyunki aap apna khud ka mazak ura rahe hain. And there has to be certain level of respect that you have towards a friend. Matlab, even if somebody is my enemy, I don't think I will ever do this to anybody. ये तो हमने देखा था एक पार्ट जहाँ पर यू नो कविता और अभिनव के बीच में ये सारी चीजें हुई थी. दूसरा, जो रुबीना ने खुले आम नेशनल टेलीविजन पर जब सीक्रेट बताना था, तो जब उन्होंने ये बताया था कि अभिनव और वो उनके बीच में जो है चीजें ठीक से नहीं चलती, दे वर अबाउट टू सेपरेट, एंड इसीलिए वो लोगों ने बिग बॉस किया था. एंड इसके बाद भी जो है घर में इसका मजाक बना, लोगों ने कहा कि ये इस लेवल तक जाके नेशनल टेलीविजन पे सिंपथी के लिए ये ऐसे अपने रिलेशन को उठा रही है. ये आपको क्या कहना है कि रुबीना को ये चीजें बतानी चाहिए थी या नहीं? या मुझे कभी कभी आप इमोशनल हो जाते हो और एट द स्पर ऑफ द मोमेंट हम एक तरीके से रिएक्ट करते हैं और हम चीजें निकल आती हैं. एंड आई थिंक वो एक इमोशनल मोमेंट था जिसमें वो निकल आया और उसको पता नहीं था कि उसका रेपरकेशन कैसा होगा. बट डेफिनेटली आई डोंट थिंक शी हैज डन इट टू विन ओवर, क्योंकि वो ऐसी लड़की है नहीं जो अपनी पर्सनल चीजें बाहर ऐसे बताएगी. शी विल नॉट बी कम्फर्टेबल शेयरिंग. बट जैसे मैंने बोला कि ऐसी इमोशनल चीजें हो जाती हैं और आपको ऐसा महसूस होने लगता है, शी मस्ट हैव निकल आई तो निकल आई. एंड आई कांट से कि कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए. ऑफकोर्स आपकी पर्सनल रिलेशनशिप जब बाहर आती है तो एवरीबडी हैज देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. एंड जैसे लोगों को बिग बॉस में लगा कि देखो जीतने के लिए उन्होंने कुछ भी बोल देती है, तो लोगों को हक मिल जाता है आप करने का. पर मुझे लगता है कि वो बहुत जेन्युइनली उस वक्त निकला था उनके अंदर से. ऑलराइट. एंड अगर मैं बात करूं तो बिग बॉस के घर के अंदर जो है कंटेस्टेंट्स, रुबीना को कोई स्ट्रांग मानता है तो कोई रुबीना को कहता है मीन है. इनफैक्ट यही डिस्कशन जो हो रहा था वो राहुल वैद्य और राहुल महाजन के बीच हो रहा था, जहाँ पे वो लोग सारे घर के जो फीमेल्स है उनको यू नो ये कर रहे थे कि कौन घर में सबसे ज्यादा मीन है. तो वहां पर नाम आया यू नो कि सबसे कम मीन जो है वो जैस्मिन और अर्शी है, बाकी सब सारे कंटेस्टेंट जो है ऑल द फीमेल्स दे आर द मीनेस्ट. आई डोंट थिंक सो. उनकी पर्सनल इक्वेशन होगी उनके साथ, तो आप अपने लेवल पे सोचते हैं कि कौन मीन है नहीं. मुझे तो अर्शी बहुत मीन लगती है, मुझे निक्की तंबोली भी बहुत मीन लगती है. तो मीन तो हर कोई हो जाता है. अब मैं ये नहीं कह सकती कि कौन सबसे मीन है. अपने आप को जिताने के लिए तो एवरीबडी बिकम्स मीन एंड इट्स ऑल राइट. ऑलराइट. तो आपको क्या लगता है कि रुबीना को आगे किससे खतरा है, कौन से कंटेस्टेंट से रुबीना को अब थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए? आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि सभी से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कब कौन किसका दोस्त बन जाता है दुश्मन बन जाता है पता नहीं चलता. हर रोज दोस्ती और दुश्मनी मतलब चेंज होती रहती है, तो सतर्क होके चलना जरूरी है. मतलब यू कांट हैव ब्लाइंड फेथ ऑन एनीवन. ओके. एंड अगर मैं आपको केमिस्ट्री की वाइज पूछूं तो डेफिनेटली आपको तो रुबीना और अभिनव की केमिस्ट्री पसंद आती रहेगी, लेकिन इनके अलावा घर में एक और पैर है जैस्मिन और अली. इनकी केमिस्ट्री अगर मैं पूछूं तो आपको रियल लग रही है, फेक लग रही है, गेम के लिए लग रही है, टीआरपी के लिए लग रही है, क्या क्या? फेक लग रही, रियल लग रही है. पर मुझे एजाज और पवित्र की केमिस्ट्री देखने में मजा आता था, क्योंकि वो नया नया कुछ आ रहा था. मतलब एंगर लव हेट्रेड लव, मतलब वो दोनों चीजें थी, तो इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग एज एन ऑडियंस. और जेन्युइन पता चल रहा था कि देयर इज अ न्यू थिंग व्हिच इज बिल्डिंग अप. तो बाकी तो दोनों ऑलरेडी बिल्ड अप है ना, दे ऑलरेडी रिलेशनशिप्स.
बट दिस वन वॉज न्यू सो और वो भी ऐसे इमोशन जबरदस्त हो जाते थे, चेंज हो जाते थे, तो आई थिंक मुझे वो देखने में बहुत मजा आता था. ओके अगर घर में मैं शादी की बात करूँ, क्योंकि हम यूजुअली हर सीजन देखते थे, किसी ना किसी की शादी होती थी सीजन के अंदर, तो अगर ये सीजन अगर मैं शादी की बात करूँ तो आपको क्या लगता है कि कौन से कंटेस्टेंट की होनी चाहिए? देयर इज ओनली वन कंटेस्टेंट अभी तो यहाँ पे, जैस्मीन, और वो ही वही है लवर्स, और तो कोई नहीं है, तो मे बी देम. ओके जैस्मीन अली शुड गेट मैरिड. नहीं मतलब बिकॉज दे आर द ओनली पीपल अवेलेबल, ना और तो कोई है नहीं, उन्होंने पूछू जो अभी हाल ही में कोई बात आप विश्वास ही नहीं कर सकते हो, आज मैरिज अगर नहीं होगी. राइट एंड अगर मैं बात करूं घर में अभी जो हाल ही में वीकेंड के बाद में हमने देखा झगड़ा हुआ था विकास गुप्ता और अली के बीच में, जहां पर जैस्मिन और वो थे, जो उनके वो फाइट के बीच में, आपको क्या लगता है हु इज राइट और क्या चीजें होनी चाहिए थी क्या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक देयर वाज नो, खैर अंदर क्या होता है हमें किसी को भी नहीं मालूम. विकास को ऐसा फील हुआ होगा कि ही वांटेड फूड सेपरेटली, बट ऑनेस्टली जब सब लोग अब बिग बॉस हाउस में जाते हो तो आप ये सोच के ही जाते हैं कि भाई खाना वाना सब कुछ एक साथ होगा, अलग से निकाल के रखना बहुत मुश्किल होता है. ये सोचना कि ये इतना आटा और इतना वो दे दूँ, हम घरों में भी वो नहीं करते ना फैमिली में. तो वो चीज़ सोच के आपको अंदर जानी चाहिए. मुझे नहीं मालूम कि वेदर इट वॉज हैपनिंग, किसी को ज्यादा मिल रहा था किसी को कम मिल रहा था, आई डोंट नो. जो जितना मुझे समझ में आया मुझे लगता है नहीं मिल रहा था, ऐसा शायद लगा हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई किसी को कम दे. तो मुझे लगता है वो राय का पहाड़ बन गया था, और आई डोंट थिंक उसमें इतना गुस्सा होना चाहिए था, उसको मिल बैठ के उसको सॉल्व कर लेना चाहिए था. खाने जैसे इशू पे नहीं होना चाहिए खाना, और सडनली कॉन्वर्सेशन कुछ और ही हो गई, मतलब इट बिकेम अली एंड दिस एंड व्हाट हैपेंड इन द पास्ट. तो वो पास्ट की जो चीजें सामने आई थी अली ने निकाली थी, आपको लगता है कि उसकी कोई जरूरत थी इस वक्त? उन्होंने ऐसा फील किया होगा तो ऐसा निकल गया होगा, ऐसा सोच के नहीं किया है. बात निकलती है, आप अपने आप को बचाने के लिए फिर बताते हैं कि आप क्यों बिहेव कर रहे हैं. ही ऑल्सो गॉट इमोशनल, तो जेन्युइनली बिल्कुल लग रहा था अली के अंदर से जो फील हो रहा है वो जेन्युइनली फील हो रहा है जो उसके साथ हुआ है, और वो बातों में निकल आई. बिकॉज आई डोंट थिंक अली इज द काइंड ऑफ पर्सन हु विल एवर टॉक इस तरीके की बात बोलेगा. ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई डोंट नो पर्सनली, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बोलेगा ऐसे. और जो उन्होंने कहा था यू नो कि वो ब्लैकमेल करते हैं उनके फ्रेंड्स को, और जो है लोगों की जॉब खाते हैं, धमकी देते हैं कि यू नो काम बंद करवा दूंगा, ये सारी चीजें आपको क्या लगता है कि डू यू थिंक विकास गुप्ता सच में ऐसे सारी चीजें कर सकते हैं, लाइक लोगों को ब्लैकमेल करना? हैव अ पोजीशन ऑफ पावर, यू कैन प्रोबेबली यूज इट लाइक दैट. आई मीन आई डोंट नो बिकॉज मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट इन पोजीशन ऑफ पावर एनीथिंग कैन हैपन व्हेन यू आर बिहाइंड द कैमरा, व्हेन यू आर फ्रॉम द चैनल और प्रोडक्शन हाउस. वो पावर गेम तो चलती है हर जगह, बट आई डोंट नो एज आई सेड, पर ऐसा हो सकता है. ओके अगर मैं आपको पूछूं आपके टॉप 5 कंटेस्टेंट्स, तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन है जो टॉप 5 में जा सकता है? अली एंड रुबीना, अभिनव, इजाज, आई एम नॉट श्योर, जैस्मीन राखी में से, मेरे हिसाब से जैस्मीन राखी में से किसी एक को जाना चाहिए. राखी इसलिए क्योंकि वो एंटरटेनिंग है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट. जैस्मीन इसलिए बिकॉज शी इज बीन वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटेस्टेंट्स. टॉप 3 में आप किसको देखते हो? अली, इजाज या अली में से कोई एक, एंड रुबीना, अभिनव. विनिंग क्वालिटी किसमें नजर आती है? I think Abhinav because he's liked by all. Okay. And इसके अलावा अगर मैं भी rapid fire खेलूँ तो आपको सिर्फ मैं नाम बोलूँगी, you have to say कि कौन है वो contestant, all right? So सबसे पहले अगर मैं पूछूँ घर में सबसे शातिर कौन है, तो क्या लगता है कौन सा contestant है जो सबसे smart है? Nikki. शातिर है?
Okay. I think she's foolish. Sometimes she becomes shadir, kabhi idhar, kabhi udhar. I think maybe Arshi. Okay. And ghar mein jo hai, wo thali ka bangan kaun hai? Jo yahan pe bhi baj raha, wahan pe bhi baj raha. I feel Nikki. मैंने जो पहले के एपिसोड्स देखे थे, डेफिनेटली निकी। आई डोंट ट्रस्ट हर। इधर कभी वो उधर। राइट। घर में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड कौन है? इजाज। ओके। घर में जो है इमोशनल कार्ड कौन खेल रहा? विकास। ओके। एंड घर में सबसे अगर बेवकूफ और भोला अगर कोई है तो वो कौन है? I don't know, कोई भी बेवकूफ और भोला नहीं है। घर में अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है? आई थिंक सभी हो जाते हैं एट सम पॉइंट। मे बी जैस्मीन, मे बी निकी। आई थिंक सो। आई हैव नॉट सीन ऑल एपिसोड्स बट जहां तक मुझे समझ में आता है। यार गेम में लॉस्ट कौन हो चुका है जो कुछ खेलने गया था और कुछ और ही खेल रहा है? I don't know. Maybe Jasmine. Yeah. Okay. And घर में ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जो आपको लगता है कि यू नो नेक्स्ट एविक्शन उसी का होने वाला है, जो सबसे कम दिख रहा है? I don't know कम कौन दिख रहा है but somebody whom I don't want to see is Arshi because she's highly annoying, irritating, always fighting, itni gandi language use karte hai, you just want to slap her. So because of that I would not want to see her. All right, so simple lastly jaane se pehle jo obviously Rubina aapke aur baki Big Boss lovers hain unke liye kya kuch message dena chahte ho? Rahul Vaidya Rahul jo hai sabse kam dikh raha tha, wo bechara karta hi nahi hai. Right. The राहुल महाजन। या सो लास्टली क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हो ऑल द बिग बॉस लवर्स? कीप वॉचिंग, फाइट फॉर द राइट पर्सन। और जो लोग फाउल लैंग्वेज यूज करते हैं और सारे टाइम लड़ते रहते हैं उनको डू नॉट वोट फॉर देम और उनको निकालने की बात कीजिए गेम से। Alright, thank you so much Simple for giving us time and definitely we hope ki aapke koi friends seethe. Let's see. All the best. Let the best thank man wins. Jo kehte hai. Usually Salman. Let the best. Yes, that's all. Thank you so much, Simple. Have a great day. Bye-bye.